ईरान ने सबसे बड़े युद्ध की तैयारी कर ली। ईरान ने अमेरिका को लास्ट वार्निंग दे दी। अब इजराइल की जंग और भड़क जाएगी। इजराइल और हमास जंग के बीच इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर हमले बढ़ गए, ये दावा खुद अमेरिका के अधिकारियों ने किया। बताया गया कि इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर बार बार हमले हुए। अब इराक में ईरान के समर्थक लड़ाकों ने अमेरिका को आखिरी चेतावनी दे दी है। अमेरिकी सेना को इराक खाली करने को कहा गया है। चेतावनी जारी कर कहा गया कि अगर अमेरिकी सेना ने जगह खाली नहीं की तो उनके बेस और ठिकानों पर हमले होंगे। इस चेतावनी के इतर इराक में अमेरिकी सेना पहले ही ईरान समर्थित लड़ाकों के निशाने पर आ गई है। सीरिया में 18 अक्टूबर को अमेरिकी सैनिकों पर ड्रोन से हमला हुआ। इसमें सैनिकों को मामूली चोटें आईं, जबकि दूसरे ड्रोन हमले में अमेरिकी सेना ने ड्रोन को मार गिराया। 19 अक्टूबर को पश्चिमी इराक के एन अल असद हवाई बेस पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। इस हमले में अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बनाया गया। इराक और सीरिया में अमेरिका के सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इराक में 2500 और सीरिया में 900 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। ये अमेरिकी सैनिक इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में स्थानीय सुरक्षा बलों की मदद करते हैं, लेकिन इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिकी सैनिक इस्लामिक चरमपंथियों के निशाने पर आ गए हैं और इजराइल को भी कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। इजराइल पर सबसे पहले हमला हमास ने किया, इसके बाद लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने किया, जबकि तीसरा हमला यमन से हूथी ने किया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लाल सागर में तैनात अमेरिकी वॉरशिप ने यमन से 3 मिसाइलों को रोका। पेंटागन ने दावा किया कि यमन से हूथी विद्रोहियों ने 3 मिसाइलें और कई ड्रोन लॉन्च किए जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी वॉरशिप ने उसे हवा में ही मार गिराया। इजराइल और हमास के बीच जंग धीरे धीरे भीषण होती जा रही है। जंग के एक मोर्चे पर जहां इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान अपने खतरनाक मंसूबे जाहिर कर चुका है। तीसरी तरफ इराक और सीरिया से शिया मिलिशिया, लेबनान से हिजबुल्लाह गुट हमास के साथ खड़ा है। हालांकि ये ईरान के समर्थित गुट ही हैं जो इजराइल से जंग में हमास का साथ दे रहे हैं, लेकिन इजराइल और हमास जंग में दो बड़े संगठन की दिलचस्पी ज्यादा दिख रही है। एक तरफ इजराइल के साथ खड़ा अमेरिका, तो दूसरी तरफ हमास के समर्थन में ईरान, जो इस जंग को भीषण और भयावह बना रही है।